हिंसा के बाद हरियाणा सरकार ने बुलडोजर से गिराई 1200 से ज्यादा इमारतें, ज्यादातर एक ही समुदाय की। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वर्ल्ड। हरियाणा के नूह जिले में शोभा यात्रा के दौरान पथराव के बाद भड़के हिंसा के बाद अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। नूह के बाद आसपास फैली इस हिंसा में 6 लोगों की मौत हुई थी और 80 से ज्यादा लोग इस दौरान घायल हो गए थे, जिसके बाद अब बुलडोजर एक्शन भी तेजी से हो रहा है। कई लोगों के घरों पर खट्टर सरकार यानी कि हरियाणा सरकार ने बुलडोजर की कार्रवाई की है, जिनमें से ज्यादातर मुसलमानों के घर हैं। अब तक 1200 से ज्यादा इमारतों को गिराया जा चुका है, जिनमें घर और दुकानें दोनों शामिल हैं। मुसलमानों की ज्यादातर संपत्तियां, जी हाँ, एबीपी न्यूज में छपी खबर के मुताबिक ये जानकारी देते बताया गया है कि नूह जिले में महज 5 ही दिनों में 1208 इमारतें और अन्य स्ट्रक्चर ध्वस्त कर दिए गए, जिनमें अधिकांश मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। कई रिपोर्टर जब मौके पर पहुंचे और पूछताछ की तो पाया गया कि गिराई गई ज्यादातर जो संपत्तियां हैं वो मुसलमानों की हैं। इसके अलावा 7 अगस्त को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने भी इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए हरियाणा सरकार से पूछा कि क्या सरकार बुलडोजर कार्रवाई की एक तरफा प्रकृति को देखते हुए जाति सफाई में शामिल है। इसके बाद इस कार्रवाई पर रोक लगा दी गई। रिपोर्ट में बताया गया कि ध्वस्त की गई जितनी भी संपत्तियां हैं, नूह, नलहर, पुनहाना, तोरू, नागल, मुबारकपुर, शाहपुर, अगोन, अदवर चौक, नलहर रोड, तिरंगा चौक और नगीना के शहरों और गांव में थी, जहां बड़ी संख्या में इमारतों को गिराया गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई इमारतें अवैध नहीं थी, इसके बावजूद भी उन्हें गिरा दिया गया, यानी कि बुलडोजर की कार्रवाई की गई। अधिकारियों की बैठक के बाद लिया फैसला। एचटी की रिपोर्ट में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ओएसटी जवाहर यादव से बातचीत की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि तमाम अलग अलग विभागों के अधिकारी उन इमारतों की पहचान करने में शामिल थे जिन्हें ध्वस्त करने की जरूरत थी। इसी लेकर 1 अगस्त को एक बैठक भी आयोजित की गई थी और हर अधिकारी को अपने अपने क्षेत्र के रिकॉर्ड को स्कैन करने के लिए कहा गया। इसके बाद हिंसा में शामिल संदिग्धों के बयानों के आधार पर एक अभियान चलाया गया। वहीं हरियाणा सरकार के मुताबिक गिराए गए घर उन सभी लोगों के थे जिन्हें या तो गिरफ्तार कर लिया गया था या उनकी पहचान कर ली गई थी कि वो अवैध तौर पर बने हुए हैं। उन्हें बताया गया कि इस कार्रवाई से पहले कानूनी राय भी ली गई थी। परिवारों को नोटिस देने के सवाल पर ओएसटी ने बताया कि 30 जून को एक नोटिस दिया गया था, यानी कि 1 अगस्त को होने वाली बैठक से पहले ये हो गया था। मुस्लिमों ने लगाया आरोप। हालांकि जिन लोगों की संपत्तियां गिराई गई हैं, उनका कहना है कि प्रशासन की तरफ से कोई नोटिस या सूचना तक नहीं दी गई, सीधे बुलडोजर उनके घरों और दुकानों तक पहुंचा दिया गया और उन्हें गिरा दिया गया। रिपोर्ट में खेरली कंकर गांव के लियाकत अली का जिक्र किया गया है, जो एक टाइल्स शोरूम के मालिक हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उनके शोरूम को ध्वस्त करने से कुछ मिनट पहले ही एक नोटिस पोस्ट किया गया था। उन्होंने बताया कि संपत्ति का पंजीकरण कराया गया था और पिछले 6 साल से इसे चला रहे थे। इस दौरान प्रशासन ने कभी कोई नोटिस नहीं भेजा। इसी तरह नूह जिले के कई गांव और कस्बों में रहने वाले मुसलमानों का भी यही कहना है कि उनका आरोप है कि वैध होने के बावजूद भी उनके घरों और दुकानों को तोड़ दिया गया। रिपोर्ट में जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा कार्रवाई मुस्लिम समुदाय के लोगों की संपत्तियों पर की गई, जिसे लेकर अधिकारियों और सरकार के अपने अपने अलग अलग तर्क। इस खबर से जुड़ी अपडेट जानने के लिए आप बने रहें सिटी वेब के साथ। अगर चैनल पर आपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।